प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम को एक बार अपनी माँ के साथ में अगर शेयर करके देखोगे ना, तो ज़िंदगी का सबसे बढ़िया एडवाइस, सबसे अच्छी एडवाइस वो ही दे सकती है। शशांक मोने का फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एस एम ब्लॉग्स में। सो टुडे इज 12th of May 2019 एंड आज बहुत ही खास दिन, आज है मदर्स डे। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल दी लेडीज़ इन दिस वर्ल्ड। वैसे तो हमें कोई एक दिन नहीं स्पेसिफाई करना चाहिए मदर्स डे के लिए, क्योंकि हम हर दिन हम उस चीज़ को मनाना चाहते हैं, हर दिन उस चीज़ का हम जश्न मनाना चाहते हैं कि हमारे पास में माँ है। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मेरी लाइफ में दो दो माँ हैं, एक मेरी बड़ी बहन है और एक मेरी माँ है, जो दोनों मेरा इतना ख्याल रखती हैं। यस, एंड मैं केवल एक ही चीज़ बोलूँगा कि यार लाइफ में कभी भी कन्फ्यूज़ हो, कितनी भी परेशानी हो, कुछ भी परेशानी हो, आप केवल अपनी माँ के साथ में शेयर कर देना एक बार कि माँ मुझे ये परेशानी हो रही है ज़िंदगी में, चाहे आपकी किसी भी कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम चल रही हो, कैसी भी लिटरली में कैसी भी प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है आपकी माँ के पास में। तो प्लीज़ एक बार अपनी माँ के साथ में ज़रूर शेयर करना। एंड मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मैं रिसेंटली अभी ओल्ड एज होम विजिट करके आया था दिल्ली में, वो बात अलग, उसका मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें शूट करके मुझे अपलोड करना नहीं अच्छा लगता है, सो दैट्स व्हाई मैंने अपलोड नहीं किया। एंड यस, तो वहाँ जा कर के मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि कितने सारे ऐसे निकम्मे लोग हैं, ऐसे हरामी लोग हैं, मतलब उनके लिए जितनी गंदी से गंदी गाली निकले हैं, वो हैं वो लोग जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम में छोड़ करके आ जाते हैं और उनके बच्चे, और वो आस लगा करके बैठते हैं कि उनके बच्चे आएंगे और उनसे बातचीत करेंगे, उनके पास में लिटरली में कोई बात करने वाला नहीं होता उन बुज़ुर्ग के पास में कि उनसे कोई दो बातें बोल ले, दो बातें कर ले उनके पास में। वो पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं अपने बच्चों का कि मेरे बच्चे आएंगे अंडे, मैं उन्हें प्यार करेंगे, और इतना सारा का सारा सहते हुए वो कभी भी गलत नहीं सोचते अपने बच्चों के बारे में, हमेशा यही सोचते हैं कि जहाँ भी होंगे मेरे बच्चे प्लीज़ खुश रहना, तुमने मुझे जहाँ छोड़ दिया कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ अपना कर लूँगा, बट तुम लोग खुश रहना। सो ये यार हवा ज़्यादा तेज चल रही है, रुको। उस दिन मुझे एहसास हुआ यार कि लोग कितना गंदा करते हैं, कभी कभी कितना ज़्यादा गिर जाते हैं केवल पैसों के चक्कर में, पैसे और सो कॉल्ड फेम के चक्कर में लोग कितना गिर जाते हैं कि वो अपने माँ बाप को भी की भी इज्जत करना भूल जाते हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि प्लीज़ दुनिया में माँ बाप की बेइज्जती मत करो। एंड बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो जाते हैं अलग अलग काउंसलर्स, अलग अलग मोटिवेशन स्पीकर्स के साथ पास में कि सर मेरी ये प्रॉब्लम, मैं इसके साथ में कैसे डील करूँ, क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा, पागल हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनके लिए केवल मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम को एक बार अपनी माँ के साथ में अगर शेयर करके देखोगे ना, तो ज़िंदगी का सबसे बढ़िया एडवाइस, सबसे अच्छी एडवाइस वही दे सकती है, वो या फिर आपके पापा। वो बात अलग है कि स्टार्टिंग के 5-10 मिनट आपकी डांट पड़ेगी, ठीक है, हो सकता है मार भी पड़े अगर कुछ ज़्यादा बड़ा कांड करके आए हो तुम, ठीक है, बट अगर उस 5 मिनट के बाद में अगर आपने 6 मिनट अगर उनकी बात सुन लिया, तो दुनिया की सबसे बेस्ट एडवाइस वो होगी आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। याद रखना, कोई मोटिवेशन स्पीकर, कोई भी आपका काउंसलर आपकी लाइफ को उतना अच्छे तरीके से नहीं जानता जितने आपके माँ बाप आपकी लाइफ को उतने अच्छे तरीके से जानते हैं, और हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा सक्सेसफुल हो, जो करना चाहता वो करे, हर एक माँ बाप का सपना होता है, बट आपको वो एक सेफ साइड में भी लेके चलते हैं कि अगर मान लो अगर ये जो करना चाहता उसमें अगर सक्सेस ना हुआ, तो इसके पास में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे ये अपनी लाइफ जी सके। एंड तो मेरी आप सबसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हाथ जोड़ के अपनी प्रॉब्लम्स ना एक बार अपने माँ बाप के साथ में शेयर करके देखो कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मैं ऐसी कंडीशन में आ गया हूँ या आ गई हूँ, मैं क्या करूँ। अपने माँ बाप को आपको कॉन्फिडेंस में लेना होता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, एंड अपनी लाइफ के लिए मैं करना चाहता हूँ, और जो चीज़ आप करना चाहते हो याद रखना आपके माँ बाप कभी भी मना नहीं करेंगे आपको, क्योंकि जिसमें आपकी खुशी है उसी में उनकी खुशी होती है। कभी कभी अपनी माँ को देखना कि माँ हमेशा केवल यही कहती कि बेटा तू बता तुझे क्या खाना है, वो बनाऊँगी आज मैं, कभी भी अपने मन का नहीं बनाती, कभी भी ये नहीं बोलती हैं कि बेटा मुझे ये खाना है तो आज प्लीज़ तू इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, नहीं, तुम्हें जो खाना है वो बना करके देती हैं। आप चाहे रात के 12 बजे जाओ घर पे, चाहे किसी भी टाइम जाओ, रात के 2 बजे भी जाओगे तब भी तुम्हारी माँ जग रही होगी और बोल रही होगी कि बेटा आ गया तू, कुछ खाया खाना या नहीं खाया। मैं अभी भी अपना केस बताता हूँ, मैं अभी भी जैसे कॉलेज से अगर मैं वापस आता हूँ, मान लो अगर 3 बजे अगर मैं छूटा कॉलेज से और मैंने फ़ोन किया मम्मी को कि, तो मम्मी सीधा क्वेश्चन होता है बेटा तूने कुछ खाया नहीं खाया, तो मैंने अगर गलती से बोल दिया कि मम्मा आज मैंने लंच नहीं मंगवाया था एंड मैं पीजी पे भी मेरा खाना ख़त्म हो गया है, तो मम्मी बेसिक वो डांट पड़ती है, बट इतने सारे रास्ते बताती हैं कि तू ऐसे क्यों नहीं करता है, वो परेशान हो जाती हैं इतना ज़्यादा कि यार
कि तू कैसे भूखा रहेगा, अभी पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा, तुझे पता शाम को तुझे खाना मिलेगा, और जबकि बीच में केवल 3 से 4 घंटों की बात होती है, 4 से 5 घंटे की बात होती है, उसके बाद में खाना मिल जाएगा। बट उस उन 4-5 घंटों के लिए वो उतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि बेटा कुछ भी कर, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, तू कुछ भी कर, मैं तुझे पैसे सेंड कर रही हूँ, कुछ भी कर, तू जा कर के कुछ खा ले। ये होती है माँ की ममता। तो प्लीज़ गाइज, मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम या फिर ओल्ड एज होम जब या फिर सड़क पे जहाँ भी आप लोग छोड़ के आते हैं, तो प्लीज़ आपके आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने माँ बाप को वापस लेकर के आइए। उनके चेहरे पर खुशी देखिए, जब आप मिलने के लिए जाएंगे उनसे, तो उनके चेहरे पर एक बार खुशी देखिए, तो वो खुशी देखने लायक होती है, उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, आप उसको केवल महसूस कर सकते हो, वो भी रियल में जाने के बाद में। एंड मेरी आप सब लोगों से और एक रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ महीने में जब भी आपको टाइम मिले, आप प्लीज़ एक बार जाकर के ओल्ड एज होम ज़रूर घूम के आना, क्योंकि वहाँ पे जो तुम्हें सुकून मिलेगा, वहाँ पे जो शांति मिलेगी, जो मतलब मैं उस चीज़ को यार, मैं उस एहसास को मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता, वो एक अलग एहसास होता है, उसको एक बार महसूस करके ज़रूर देखना यार, वो बहुत ही अलग महसूस, बहुत ही अलग एहसास होता है जिसकी हम सबको ज़रूरत होती है। वो एक ऐसा एहसास होता है कि तुम चाहे कितने भी सेलिब्रिटी, बड़े सेलिब्रिटी हो, कितने भी ऊँचे उड़ रहे हो, कितने भी बड़े आदमी हो, तुम अगर एक बार अगर मिल लोगे जाके ना, तो अपने आप तुम्हारा जितना भी गुस्सा है या फिर तुम चाहे कितनी फ्रस्ट्रेटेड हो ज़िंदगी में, कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम एक बार वहाँ अगर अपने माँ बाप से या फिर माँ बाप से नहीं मिल सकते हो, अगर मान लो मेरी तरह अगर आप बाहर रहते हो, तो ओल्ड एज होम में जाकर के आप अगर मिल लेते हो, तो याद रखना जो आपके मन में जो उफान होता है, लाइक जो तलब होती है, जो गुस्सा होता है, जो भी, वो सारी की सारी बैठ जाती है अपने आप, और फिर आपका दिल और दिमाग इतना शांत हो जाता है ना कि लाइफ में कभी भी इतना शांत नहीं रहा होगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं केवल 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि याद रखो, बॉयफ्रेंड नया मिल जाएगा दोबारा से, गर्लफ्रेंड नई मिल जाएगी दोबारा से, फ्रेंड्स नए बन जाएंगे दोबारा से, इवन शादी भी दोबारा हो जाएगी, बट याद रखना माँ बाप ज़िंदगी में हमेशा एक ही मिलते हैं, तो उनका ख्याल रखना एंड अपनी बातें उनके साथ में शेयर करना। ऐसा ना हो कि आप लोग अभी शेयर ना करो, अभी इस चक्कर में रहो कि नहीं माँ बाप को क्या बताऊँगा मैं खुद ही इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स में झेल सकता हूँ। तो याद रखना बेटा, उनके लिए तुम अभी भी बच्चे हो, तुम चाहे 50 साल के भी हो जाओगे तब भी तुम उनके लिए बच्चे ही रहोगे, ठीक है? तो प्लीज़ इससे पहले कि देर हो जाए, आप प्लीज़ अपने माँ बाप के साथ में बैठना उठना बैठना, उनको टाइम देना स्टार्ट कीजिए। बेसिक आप बाहर रहते हैं तो आप कॉल करके आप टाइम दे सकते हैं, अगर आप घर पर रहते हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये फ़ोन इन सारी दुनिया से निकलने के बाद में आप ज़रा फ़ोन को साइड रखिए, लैपटॉप को साइड रखिए, अपने काम को साइड रखिए, अपने सारे के सारे स्ट्रेस को साइड रखिए, और थोड़ा सा क्वालिटी टाइम अपने माँ बाप के साथ में बिता करके देखो, तो फिर देखो कितना सुकून मिलता है। चाहे पूरा दिन कितने भी हारे थके हो तुम, और केवल 5 मिनट अगर तुम केवल अपने मम्मी के पास में, माँ के साथ में या फिर अपने पापा के साथ में रहते हैं, जो पूरे दिन में हैक्टिक शेड्यूल आया आपका, जिसमें आपको भूल गए थे कि ज़िंदगी में यार क्या चल रहा है, कैसे करूँ, बहुत सारे कभी कभी कांड होता है कि यार सुसाइड करने का मन हो जाता है लोगों का, तो प्लीज़ एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा लास्ट बार कि आप प्लीज़ अपने माँ बाप के साथ में बैठिए और टाइम दीजिए उनको, उन्हें भी अच्छा लगेगा, और एंड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, वो सारी की सारी सॉर्टेड हो जाएंगी। ये चीज़ मैं इस टाइम पेपर के ऊपर लिख करके दे सकता हूँ। वीडियो को एंड करने से पहले मैं केवल 2 लाइनें कहना चाहूँगा, जो मेरे अभी प्रेजेंट टाइम का जो मेरा एहसास है वो ये है कि याद रखो, छोटा भाई पूछेगा कि भैया कोई गिफ्ट ला करके दे दो, पापा पूछेंगे कि कितना कमाया, बीवी पूछेगी कि कितना बचाया, और बेटा पूछेगा कि पापा कितना लेकर के आए, बट केवल माँ एक ऐसी चीज़ है जो माँ पूछेगी कि बेटा कुछ खाया या नहीं खाया। और अगर आपने अगर गलती से बोल दिया कि मम्मी आज नहीं खाने को मिला, तो याद रखना ज़िंदगी उस टाइम पे आपके लिए सबसे ज़्यादा परेशान होने वाली औरत का कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ जो सबसे ज़्यादा परेशान आपके लिए होगी, वो केवल तुम्हारी माँ होगी। ये चीज़ ट्राई करके देख लो, नहीं मानते हो तो याद रखना माँ से अच्छा एहसास कुछ नहीं होता है। एंड यस, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एंड इस वीडियो को प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। Find somebody who loves you, somebody who needs you.